डायरेक्टर ने छोड़ दी अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, हाल ही में बॉलीवुड में एक ऐसी घटना हुई जिससे हमारा बॉलीवुड बहुत शर्मसार हुआ। दरअसल हाल ही में फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का पोस्टर रिलीज हुआ और इस फिल्म का पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। लेकिन बात तब बिगड़ी जब इस फिल्म के निर्देशक राघव लॉरेंस ने एक ट्वीट कर बताया कि उनकी अनुमति के बिना ये पोस्टर रिलीज किया गया, तो उनके नजरिए से ये काफी खराब है। अक्षय कुमार स्टार फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का फर्स्ट लुक देखने के बाद फिल्म को लेकर चर्चा शुरू हो गई। लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर राघव लॉरेंस ने फिल्म छोड़ दी है। डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर करते हुए कहा, तमिल में एक कहावत है कि जिस घर में सम्मान न मिले उस घर में नहीं जाना चाहिए। इस दुनिया में दौलत से अधिक स्वाभिमान जरूरी है। मैं लक्ष्मी बॉम्ब छोड़ रहा हूँ। फिल्म छोड़ने के कई कारण है, लेकिन उनमें से एक ये है कि फिल्म का पहला पोस्टर आज मेरी जानकारी के बिना रिलीज कर दिया गया। निर्देशक के लिए ये बेहद दुख की बात है। मुझे ये बेहद अपमानजनक और निराशाजनक लगता है। राघव ने आगे कहा कि मैं अपनी स्क्रिप्ट रोक सकता हूं क्योंकि मैंने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि ये प्रोफेशनल नहीं है। मैं अक्षय कुमार सर का बहुत सम्मान करता हूं। वो मुझे हटाकर अपनी इच्छा अनुसार किसी दूसरे डायरेक्टर को ले सकते हैं। मैं अक्षय कुमार सर से मिलकर उन्हें इस स्क्रिप्ट को दे दूंगा और एक अच्छे ढंग से फिल्म को छोड़ दूंगा। उम्मीद है कि फिल्म बहुत सफल होगी। लक्ष्मी बॉम्ब तमिल फिल्म कंचना का रीमेक है। फिल्म में अक्षय के साथ कियारा आडवाणी है। फिल्म में अक्षय कुमार ट्रांसजेंडर भूत के रूप में दिखाई देंगे। फिल्म की रिलीज डेट 5 अप्रैल 2020 है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।